हेलो दोस्तों, मैं माला मनु की स्वीट गार्डन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। विंटर प्लांट शॉपिंग के लिए मैं कई सारे नर्सरी में विजिट कर चुकी हूँ। आज मैं शाह नर्सरी में आई हूँ दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि इस नर्सरी से मुझे अच्छा खासा प्लांट मिल जाएगा। इस नर्सरी में बहुत सारा प्लांट रहता है दोस्तों, लेकिन हमारे घर से और ऑफिस से बहुत दूर है, तो बहुत सोच के मुझे इस नर्सरी में आना होता है। और देखिए इस नर्सरी में कितने सारे प्लांट है दोस्तों। मेरी गोल्ड के भी बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, देखिए इसमें कितने खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं और फ्लावर का साइज भी बहुत बढ़िया है। तो मैं अब सोच ली कि मुझे मेरी गोल्ड का प्लांट लेना है, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए बहुत बड़ा साइज है फ्लावर का, और मुझे यही मेरी गोल्ड का प्लांट चाहिए। इस नर्सरी में सीमेंट वाला पॉट बनता है, और मैं बहुत पहले इस नर्सरी से बहुत सारे पॉट परचेज की थी, लेकिन अब मैं सीमेंट वाला पॉट कम यूज करती हूँ, टीना वाला पॉट ज़्यादा यूज करती हूँ। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत इंडोर प्लांट है, लगता है कि इसमें से कई सारे प्लांट लेने चाहिए, लेकिन मैं लेने अभी आई हूँ विंटर का प्लांट, इसलिए मैं इंडोर प्लांट नहीं लूँगी। मेरे पास खुद भी बहुत सारे इंडोर प्लांट हो गए हैं। तो देखिए यहीं से मैं स्वीट पोटैटो का प्लांट ले गई थी, कटिंग से मैं रेडी की हूँ, और वो मैं मटकी में रेडी की थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर पहले कर चुकी हूँ। देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी था, जिस समय मैं आई थी उस समय देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। कटिंग से इन्होंने बहुत सारा प्लांट रेडी किया, इसलिए थोड़ा सा ये प्लांट छोटा लग रहा है। ये सीमेंट वाले प्लांट के साथ साथ प्लास्टिक वाले पॉट भी, हैंगिंग पॉट भी सेल करते हैं। तो यहाँ से मैं आज विंटर का ही प्लांट सिर्फ परचेज करूँगी। देखिए इनके पास बहुत सारे प्लांट है, लेकिन हैंगिंग प्लांट हमारे यहाँ बहुत कम मिलते हैं। चार पांच प्लांट ही हैंगिंग वाले ऐसे हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे मुझे हैंगिंग प्लांट परचेज करना है, लेकिन बहुत मुश्किल से यहाँ हैंगिंग प्लांट मिलता है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट अभी लगे हुए हैं, जिसको मैं नहीं बता सकती हूँ कि कौन सा प्लांट है, लेकिन इनके पास प्लांट जो मैं ख़रीदने आई हूँ, वो सभी प्लांट इनके पास मैं देख रही हूँ। और देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें बहुत सारे अभी फ्लावर लगे हुए हैं। ये टिकोमा जैसा ही प्लांट है, इन्होंने पता नहीं क्या नाम बताया, नाम मुझे अभी याद नहीं है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए मैं जो विंटर का प्लांट लेने आई हूँ, तो पुटुनिया के प्लांट अभी है, लेकिन बहुत सारे कलर नहीं है, लेकिन जो भी कलर है मुझे ठीक लग रहा है, इसमें से मैं दो तीन प्लांट तो ज़रूर लूँगी दोस्तों। गजेनिया के भी हैं, मेरी गोल्ड के भी हैं, लेकिन बहुत जो मैं चाह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा अच्छा बहुत हेल्दी हेल्दी प्लांट मिले, वो नहीं है, लेकिन प्लांट है इनके पास, तो मैं तो प्लांट यहाँ से लेके ही आ जाऊँगी। जितने भी मेरी गोल्ड के प्लांट हैं, सभी का प्राइस इन्होंने 30-30 रुपीज़ बताया है, और डेंथस पुटिनिया और गजेनिया का प्राइस 50-50 रुपीज़ बताया है। तो देखिए इन्होंने बहुत सारा केला का प्लांट अभी लगा के रखा है, और हरी मिर्च का भी बहुत सारा प्लांट है, लेकिन मैं खुद ही सीड से हरी मिर्च का प्लांट घर में ही रेडी करती हूँ। यहाँ देखिए पहाड़ी राई का साग है, और साग कितना सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इस तरफ भी इन्होंने मेरी गोल्ड का बहुत सारा प्लांट लगाया है, तो मैं इस इधर से ही प्लांट लूँगी। इधर का प्लांट थोड़ा हेल्दी है, तो मैं इस तरफ से ही एक दो प्लांट लूँगी, और जहाँ जहाँ मुझे अच्छा प्लांट दिख रहा है वहीं से मैं प्लांट लूँगी दोस्तों। तो देखिए अभी बहुत सारा ये प्लांट लगाने वाले भी हैं, कटिंग से भी ये लगाते हैं और सीड से भी ये प्लांट ग्रो करते रहते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, यहाँ देखिए मैं ले रही हूँ डहेलिया का प्लांट, और डहेलिया का प्लांट इन्होंने 50-50 लगाया है, तो मैं दो डहेलिया का प्लांट ली हूँ। इन्होंने कलर स्पष्ट नहीं किया है, इन्हें भी सही से नहीं मालूम है कि कौन सा इसमें कलर आएगा, लेकिन ये बोले हैं कि कलर एक नहीं होगा, दोनों का कलर दो होगा, इसलिए इन्होंने मुझे दो प्लांट दिया। 100 रुपीज़ का हमारा हुआ डहेलिया का प्लांट, और यहाँ डेंथस निकालने हैं तो ये 50 रुपीज़ है दोस्तों। तो इसमें से भी मैं दो प्लांट लूँगी, दो दो करके मैं प्लांट ले जा रही हूँ, पहले मैं इसे लगाऊंगी। अभी प्लांट बहुत छोटा है, इस तरह से प्लांट कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी लगता है। प्लांट में यदि फंगस लग जाते हैं तो हमारे यहाँ जाने पे भी प्लांट ख़राब हो जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा ड्राई है और प्लांट बहुत ज़्यादा डल जैसे लग रहा है, फिर भी मुझे लेना है तो दो चार प्लांट तो लेके जाऊँगी, और मैं इसे बहुत अच्छे से केयर करके लगाऊँगी, तो मुझे लगता है कि 100% हमारा सभी प्लांट लग जाएगा,
और इन सभी प्लांट का प्राइस 50-50 रुपीज़ है, सिर्फ मेरी गोल्ड का प्राइस 30 रुपीज़ है दोस्तों। तो देखिए सभी में से मैं दो दो करके ही प्लांट ली हूँ, और सभी प्लांट जब ये निकाल करके यहाँ पे रखे हैं तो जो ये जितने भी प्लांट निकाले हैं सभी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, और देखिए किस तरह से ये पानी में भिंगा करके और मिट्टी को दबा रहे हैं। इस तरह से दबाने के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है दोस्तों, मैं जब देखी हूँ तो छू करके तो हार्ड था दोस्तों। इस तरह से पानी से अच्छी तरह से दबा दबा के सभी प्लांट को इन्होंने रखा है, और देखिए अब मैं मेरी गोल्ड का प्लांट ले रही हूँ और ये कलर मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरी गोल्ड का। तो मेरी गोल्ड का भी मैं दो प्लांट लूँगी और दोनों दो कलर का लूँगी। तो इसे मैं लगा करके देखती हूँ और घर जा कर के फिर मैं कटिंग से खुद से रेडी करूँगी, इससे मैं कई सारा प्लांट रेडी करूँगी। 3 साल पहले मैं मेरी गोल्ड का प्लांट एक नर्सरी से खरीद करके लाई थी, तो 3 साल पहले वाला ही प्लांट से मैं बहुत सारा कटिंग रेडी करती रहती हूँ और उसी से अपने गार्डन में अभी प्लांट लगाई हूँ। यहाँ से देखिए मैनिएचर वैरायटी का ये प्लांट है मेरी गोल्ड का, तो एक ही ली हूँ प्लांट, मुझे ज़्यादा हेल्दी नहीं लगा इसलिए ये प्लांट मैं सिर्फ एक ली हूँ। और ये नर्सरी वाला भैया भी बोले कि प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है इसलिए मैं ली हूँ। ये कौन सा फल है मुझे नहीं मालूम है, ये फल का नाम बताया है लेकिन अभी मैं मिस कर रही हूँ। और ये देखिए बच्चा कितना सारा इसमें से तोड़ रहा है, और मुझे भी बोल रहे हैं कि एक खा करके देखिए बहुत ज़्यादा मीठा है, लेकिन ये फल मुझे मीठा नहीं लग रहा था। ये जब कट करके मुझे दे रहे थे तो मुझे देखने से ही अजीब लगा ये, लेकिन ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा मीठा है, इसलिए मैं बोली कि भैया ये कट करके आप ही खा लो और मुझे आप इसमें से एक फल दे दो, मैं घर जा करके इसे यूज करके देखूंगी, यदि मुझे ये फल अच्छा लगा तो इस प्लांट को मैं ज़रूर खरीद करके ले जाऊंगी। आपको यदि मालूम होगा कि ये कौन सा फल है तो ज़रूर कॉमेंट करेंगे दोस्तों। देखिए ये एक कॉपी लाया और उसमें से पेपर फाड़ फाड़ के प्लांट को इसमें रैप कर रहे हैं, एक पेपर में ये दो प्लांट रैप कर रहे हैं। तो इस तरह से रैप करके इन्होंने सभी प्लांट को रख दिया है। टोटल मैं 10 प्लांट परचेज की हूँ और इन प्लांटों को देखिए भैया बहुत अच्छी तरह से रैप करके पॉलीथीन में रख दिया है। अब पॉलीथीन लेकर के मैं घर जा रही हूँ, इन सभी प्लांट को जब मैं रिपोर्ट करूँगी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब और अपना प्यार मुझे बहुत सारा देते रहें दोस्तों। फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।